हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का थर्ड टॉपिक क्लॉक यानी कि घड़ी सीखेंगे। इसके पहले मैं डायरेक्शन और कैलेंडर के वीडियोस पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, ताकि एग्जाम्स में आपके उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले एक नॉन वर्बल का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें पता है कि क्लॉक में एक से लेकर 12 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। अब हम देखेंगे कि इसकी वाटर में इमेज कैसे बनेगी, और यदि मिरर है तो उसमें क्लॉक की इमेज कैसे बनेगी वाटर में। और हम ध्यान रखेंगे मिरर में। तो आप ध्यान रखें, एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लॉक बनी हुई है 12, 6, 3 और 9 इस तरह से, 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं। यदि हम मिरर के देखें, यहाँ पे हमने अगर मिरर रखा है तब इसकी इमेज कैसे बनेगी। ये जो 3 है यहीं दिखेगा हमें, 12 12 भी रहेगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मिरर का जो हमारे पास पोजीशन है वो कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, या फिर लोअर साइड हो सकती है, या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकती है। यदि ऊपर साइड होगी तो 12 यहीं रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तरफ यदि मिरर की पोजीशन है तब यहाँ पर हमारे पास 9 रहेगा, 12 6, और 3 कहाँ पहुँच जाएगा, 9 के प्लेस पे पहुँच जाएगा, और 9 कहाँ आ जाएगा, 3 के प्लेस पे आ जाएगा। और यदि वाटर में इमेज का पूछा जाता है, जैसे ये हमारे पास क्लॉक है 12 6 3 और 9, और यदि यहाँ वाटर है तो ये वाटर की पोजीशन यहीं रहेगी हमेशा। यदि अब हम इसकी इमेज देखते हैं तो 6 कहाँ आ जाएगा, 12 की पोजीशन पे। जो 12 है वो हमें कहाँ दिखेगा, 6 की जगह पर। 3 हमें 3 के प्लेस पे दिखेगा, और 9 भी हमें 9 के प्लेस पर ही दिखेगा। ये आप डायग्राम से याद रख सकते हैं। यदि आप डायग्राम से याद ना रखना चाहें, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डायग्राम बनाकर देख सकें, तो आप लोग ध्यान रखें कि वाटर में हमें पता है जो 6 है वो कहाँ आ गया है, 12 के प्लेस पर। तो हम 6 की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 12, और यहाँ से अब हम नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे। 12 से हम उल्टे साइड लिखेंगे 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। मिरर का आप लोग ध्यान रखें, मिरर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। कहीं भी मिरर होगा, ध्यान रखें कि हम सीधे नंबर्स लिखेंगे। 6 6 के प्लेस पर ही रहेगा। यहाँ से अब हम उल्टा लिखेंगे 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 and 7। आप लोग सिर्फ एक बार के जो मैंने आपको इमेज बनाना बताए थे उससे आप लोग इन्हें ध्यान रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्बल क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास ऑल इन वन फॉर्मूला है, 60h - 11m/2 = θ। यहाँ पे जो थीटा है वह कोण को दर्शा रहा है, h घंटे को और m मिनट को शो कर रहा है। टाइप हमारे पास फर्स्ट हम लेते हैं कि घड़ी की सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्न, यानी कि 3 व 4 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। आपस में मिलेंगी कहा है, तो जब मिलेंगी यानी कि एक के ऊपर एक होंगी, तब यहाँ पर थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 60h - 11m/2 = θ। तो हम पता है 3 से 4 बजे के बीच हमें जब घड़ी की सुइयां मिलेंगी, तो 4 बजे के बाद नहीं पूछा है, पहले ही पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे एच में लेंगे कितना, 3, और मिनट तो हमें निकालना ही, यानी कि 3 बजकर कितने मिनट पर मिलेंगी, क्योंकि 4 बजे के बाद मिल नहीं सकती, तो 3 बजकर कुछ मिनट पर ही घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। 60 h की जगह हम लिख देंगे 3 - 11, m को हम एज इट इज सेम लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है 3 बजने के बाद कितने मिनट में मिल रही हैं, और थीटा की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि आपस में मिल रही हैं, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब हम 2 से इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा 180 - 11m, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, और 180 = हो जाएगा 11m।
जब हम मिनट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो m इज इक्वल टू 180/11। अब हम इसको कट करेंगे, 11 वन ज़ा 11, यहाँ हमारे पास बचा 7 कैरी, 11 सिक्स ज़ा 66। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 4 और 11, हम एज इट इज सेम लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर हुआ कि 3:16:11 पर ये घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन है 2 से 3 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो ऑल इन वन फॉर्मूला आप याद रखें, 60h-11m/2 = θ। अब क्वेश्चन में है घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी मतलब एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि एंगल बनेगा 0° का। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, 60 h की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2, हमने 3 क्यों नहीं रखा, तो आप ध्यान रखें 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब मिलेगी, 2:00 कुछ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। 11 m की वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि कुछ मिनट पर मिलेंगी, अपॉन 2, और थीटा इजिकल टू हमें कितना मिला है 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, 6 × 2 = 120, 11 m = 0, 120 = 11 m। जब हम मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 120/11, यदि हम सॉल्व करेंगे 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आ जाएगा। अब 10 में 11 से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हम लिखेंगे 0, 10 और 11 को एज इट इज सेम लिखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, हमें निकालना है कि 2:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम सॉल्व करेंगे, वही ऑल इन वन फॉर्मूला हमारे पास है, 60h-11m/2 = θ। अब यहाँ पर 60 h की जगह हम रखेंगे 2 - 11, m की जगह हम रखेंगे मिनट की वैल्यू यानी कि 30/2, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि कितने अंश का कोण बनेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 120 - 330/2 = θ, हम माइनस करेंगे इनको, -0, 3 में से 2 जाएगा 1, एंड फिर 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2, अपॉन में लिखेंगे हम 2। अब हम इसको कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 एंड 2 5 ज़ा 10 = θ। अब जो एंगल है वो कभी माइनस में नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 105°। तो 2 से 2:03 पर कितने दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी, तो हमारा आंसर होगा कि 2:30 पर घंटे और मिनट की सुइयां 105° का कोण बनाएंगी। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90° का एंगल बनेगा, हमें यह निकालना है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90° का कोण बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ एक घटना सारा लिख देती हूँ कि 30°, 60° एंड 90°, ये तीनों ही एंगल्स जो हैं 30, 60 और 90 का, दोनों सुइयाँ मिलकर 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, कितने टाइम्स बनाती हैं, 2 टाइम्स बनाती हैं। और यदि हम 12 घंटे में देखें तो 12 घंटे में कितने बार बनाना चाहिए, यदि 1 घंटे में 2 बार है तो 24 बार, लेकिन ऐसा नहीं है, 12 घंटे में कितने बार बनाती हैं, सिर्फ 22 बार यानी कि 22 टाइम्स ही बनाती हैं। तो अगर सुबह के 12 घंटों में 22 बार तो हम बाद के 12 घंटे और मिला लें यानी टोटल 24 घंटे अगर हम ले लें तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 44 टाइम्स। ये आप ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितने बार 90° का कोण बनाती हैं, तो 60° के लिए, 30° के लिए और 90° तीनों के लिए ही सेम रहेगा, कितने बार, 22 बार, आप लोग ये ध्यान रखें। अब 12 घंटे में 22 बार कैसे बनाती है, 24 बार बनाना चाहिए क्योंकि 1 घंटे में 2 बार है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 9 से 10 बजे के बीच और 10 से 11 के बीच ये 2 बार घंटे और मिनट की सुइयां दोनों मिलकर ना तो 30° का एंगल बनाती हैं, ना ही 60 का, ना ही 90 का। तो इस तरह से 12 घंटों में ये 2 घंटे क्या हो जाएंगे, माइनस, तो हमारे पास आ जाता है 22 टाइम्स। और इस तरह से नेक्स्ट तो जो हमारे पास 12 घंटे हैं वहाँ भी यही होता है, 9 से 10 और 11, 10 से 11 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां
30, 60 और 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। तो हमारे पास टोटल कितने बार आ जाता है, 24 घंटों में 44 बार ही दोनों सुइयाँ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, तीनों ही एंगल्स के लिए ये सेम रहेगा। क्वेश्चन में 12 घंटे पूछा है तो आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। तो 5 से 6 बजे के बीच 1 घंटे का टाइम हो रहा है और हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो वही हम ऑल इन वन जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 60H, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इजीली सभी टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर पाएंगे। 60H - 11M/2 = θ। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हम आर में 5 लेंगे, 60, एच की जगह हम लिखेंगे 5 - 11, एम को हम एज इट इज सेम लिख देंगे, θ की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि हमसे पूछा गया समकोण कब बनेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 300 - 11M = 180, 300 - 180 = 11M। अब हम सॉल्व करेंगे, 0, 10 में से 8 जाएंगे 2 और फिर 2 में से 1 तो 1, 11M। यहाँ से हमारे पास मिनट की वैल्यू आ जाएगी 120/11, 11 × 11 = 0 और फिर हम 10/11 लिखेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया कि 5:10/11 पर 1 बार समकोण बनेगा। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। अब हम नेक्स्ट बार को सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा पलट देना है। पहले हमें लिख लेना है 11M, फिर 60H/2 = θ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, 11M को हम एज इट इज सेम लिखेंगे, 60 और वही एच यानी कि 5 हमको पता है स्टार्टिंग वाला है लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 = θ की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, 11M - 300, यही वाला पलट जाएगा यहाँ पे, आप समझ सकते हैं 2 = 90। यह हमारे पास आ जाएगा 11M = यहाँ हम सॉल्व करते हैं, अगर 11M - 300 = 180, यहाँ से 180 + 300 11M = 480, यानी कि यहाँ से हमारे पास मिनट की वैल्यू आ गई 480/11। हम इसको कट कर लेते हैं, 4 = 44, 3 = 33, 7/11, यानी कि यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 43 = 7/11, यानी कि हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती हैं। तब हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा 5:10/10/11 पर और सेकंड हमारे पास हो जाएगा 5:43 = 7/11 पर। इस तरह से ये 2 बार 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल दोनों सुइयाँ मिलकर बनाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वही ऑल इन वन फॉर्मूला हमारे पास है, 60H - 11M/2 = θ। इसी को फिर हम यहाँ पलट कर लिख लेंगे, 11M - 60H/2 = θ। हम वैल्यूज पुट करेंगे, 60H की जगह हम लिखेंगे 3 - 11M/2 = हमारे पास रहेगा थीटा। सॉल्व करेंगे, 180 - 11M = θ की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 30, क्योंकि हमें 30 डिग्री का एंगल पूछा है, यहाँ आ जाएगा 60। 180 - 60 = 11M, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 120 = 11M, यानी यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120/11। कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10/10/11। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 11M को मैं सेम लिख देंगे, 60, ऐसी जगह हम लिखेंगे 3/2 = θ, थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, 11M - 180 = 60, 11M = 60 + 180
यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 11, कट करके देखेंगे 11 टू ज़ा 22, तो यहाँ कैरी आ जाएगा 11 वन ज़ा 11, 9 अपॉन 11, यह हमारे पास आंसर होगा। यानी कि 3 व 4 बजे के बीच 3:10 से ही 10:11 और 3:21 से ही 9:11 दो बार 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्लॉक चैप्टर से पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स याद रखें। जैसे हमने अभी याद रखा था कि 30, 60 और 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, यानी कि टोटल हमारे पास जो 12 घंटे हैं उनमें 22 बार और 24 घंटे में 44 टाइम्स यानी 44 बार बनता है, और 0 और 180 डिग्री का एंगल जो है वो 1 घंटे में सिर्फ 1 ही बार बनता है। तो इस तरह से 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार, लेकिन बनता है 1 माइनस हम कर देंगे 11 बार। और इसी तरह से टोटल हमारे पास जो 24 आवर्स होंगे, 11 प्लस 11 हम करेंगे तो 22 टाइम्स यानी कि 22 बार। तो 180 और 0 डिग्री का एंगल कब कब नहीं बनता, आप ध्यान रखें कि जो 180 डिग्री का एंगल है 5 से 6 बजे के बीच में नहीं बनता है, और जो 0 डिग्री का एंगल है हमारे पास वह 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता। तो इस तरह से 12 और 12 दो पार्ट में हम देखें तो मॉर्निंग वाले पार्ट में भी ये एंगल नहीं बनते होंगे, और जो इवनिंग वाले पार्ट है उसमें भी एंगल्स नहीं बनते होंगे। इस तरह से यहाँ से 1 हमारे पास माइनस हो गया, हमारे पास आया है कि 12 घंटे में 11 बार दोनों जो सुइयाँ हैं वह 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 0 डिग्री का, और 24 घंटे में 22 बार बनाएंगी। 180 डिग्री का एंगल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि घंटे और मिनट की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी यानी कि 180। आप याद रख सकते हैं इस तरह से विपरीत होना, घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो विपरीत भी हो बोल सकते हैं, या फिर 180 डिग्री का एंगल बनाना भी क्वेश्चन में हो सकता है, और 0 डिग्री में डायरेक्ट 0 डिग्री भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर कब एक दूसरे से मिलेंगी या कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक नॉन वर्बल टाइप और है मिरर और वाटर में इमेज के अलावा, जैसे अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोगों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। जैसे हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन है इसमें इस तरह से जो हमारे पास हैंड्स होती हैं वॉच की वो घूमती हैं यानी क्लॉकवाइज, और यदि इस तरह से हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान रखें ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हमारे पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, यदि क्वेश्चन जो हमारा इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उनको घड़ी के जो डायल है उसी की दिशा में व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे हमसे बोल दिया जाए कि जो 1 है उसे यदि हम एच कहते हैं, 2 को हम आई कहते हैं, तो हम 6 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे? तो आप क्लॉकवाइज ही चलें, एच के बाद आई, जे, के, एल और एम, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है यदि क्वेश्चन में पूछा जाए जो है कि यदि हम 7 के लिए बी लिखते हैं, 8 के लिए ए लिखते हैं, तो हम 12 के लिए क्या लिखेंगे? तो हम इसी तरह से देख लें, बी के बाद ए, ए के बाद हम देखेंगे तो जेड, जेड के बाद हमारे पास आगे आ जाएगा एक्स, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद डब्ल्यू, यानी हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर सॉल्व करें, यदि ऑप्शन में डब्ल्यू ना हो तो हमारा आंसर होगा आई। कैसे? बी के बाद हम देखेंगे सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई, हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गए। तो यदि ऑप्शन में होता है डब्ल्यू या फिर होता है आई या फिर डब्ल्यू एंड आई दोनों हमारे पास हैं ऑप्शन में, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एंड आई दोनों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 12 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और अल्फ़ाबेट होता कितने हैं, हमारे पास टोटल होते हैं 26 लेटर्स। इसके अलावा स्किप करके भी आप लोगों को अल्फ़ाबेट पूछे जा सकते हैं, जैसे यदि कह दिया जाए कि 5 को ए कहा जाता है, 6 को डी कहा जाता है, तब 8 के लिए हम कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे? तो 5 के लिए ए यहाँ हमें दिख रहा है, बी और सी यानी कि दो नंबर स्किप करके डी लिख दिया गया है। अब हम 7 के लिए देखेंगे, डी के बाद हम दो नंबर स्किप कर देंगे, ई, एफ, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा
जी, फिर एच आई, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको क्लॉक के सभी टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे के जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।